तो हम कलर ऑफ द कंपाउंड पढ़ रहे थे। कलर ऑफ कंपाउंड में कलर किस वजह से होता है? डीडी ट्रांजिशन की वजह से, है ना। पहला पॉइंट था कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स तो आपको बताया था पहले, कलर का एक रीजन होता है डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन, ठीक है। डीडी ट्रांजिशन मतलब टी टू जी से ई जी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन, ठीक है। अगर देखो ये है 1 2 3 4 5 6 और ये टी टू जी पूरा भरा हुआ है, तब डीडी ट्रांजिशन का कोई मतलब नहीं बनता है। डीडी ट्रांजिशन कब होगा? जब ये खाली हो, है ना, एक इलेक्ट्रॉन हो या एक भी नहीं हो, तो इलेक्ट्रॉन टी टू जी से ई जी जा सकता है। इस ट्रांजिशन की वजह से ज्यादातर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कलर होते हैं, ठीक है। काफी डिटेल में आपको बता दिया था मैंने। इसके बाद लिखना नेक्स्ट चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा। लिखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा भी कई तरह का होता है। पहला लिखो फर्स्ट इसके अंदर ए पार्ट लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर। साथ साथ लिखते जाओ लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर। चार्ज जो है लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर। वैसे क्या होता है बेटा इसमें, ये ध्यान रखना, एक तरह से ना इंट्रामोलिकुलर रेडॉक्स होने लगती है। इंट्रा मॉलिक्यूलर रेडॉक्स होने लगती है इसमें। जैसे एग्जांपल है, साथ साथ लिखो MnO4 - N, MnO4 2 - Cr4 2 - Cr2O7 2 - N, है ना। देखो ये ज्यादातर कंपाउंड कलर होते हैं, कलर भी इनका डार्क है, लेकिन ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, है ना। और एग्जांपल Fe, ये Fe H2O का होल 5 NO प्लस 2, ठीक है। इस कंपाउंड का भी है ना, ये कंपाउंड ऐसा लगता है DD की वजह से होगा, लेकिन ये भी चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से है। चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से याद नहीं करना, मैं इसका रीजन भी बताऊंगा तुम्हें, देख के आप बता दोगे। बस एक दो तो याद करने पड़ेंगे, बाकी आप बता दोगे एटसेट्रा। तो ये कंपाउंड है, वैसे तो और भी होते हैं, HgI2 भी है। HgI2 भी कलर्ड होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, ठीक है। अब इसमें क्या है, देखो MnO4 - N है, Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 है। MnO4 - N है, Mn पर ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 है। तो क्या होता है, प्लस 7 से प्लस 6 ये मोमेंटली ट्रांसफर होता है चार्ज का। प्लस 7 है, बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, तो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है। तो मोमेंटली ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लिगेंड टू मेटल, इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, है ना। जब चार्ज अट्रैक्ट होगा तो एनर्जी रिलीज होगी। भाई कलर क्या होता है MnO4 - N का, बताओ जरा कलर ऑफ MnO4 - N। पर्पल या पिंक कलर, है ना, पर्पल या पिंक कलर। MnO4 2 - का कलर क्या होता है? MnO4 2 - का कलर क्या होता है? MnO4 2 - N का कलर याद है किसी को? ऑरेंज नहीं होता ना, ना डार्क पिंक होता, ग्रीन। ग्रीन Cr4 2 - का ऑरेंज होता है। देखो इनमें सेंट्रल एटम पर ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज्यादा है, ऑक्सीडेशन नंबर प्लस 7 है इसमें, उधर प्लस 6 है। तो सेंट्रल एटम क्या करता है, सराउंडिंग एटम के चार्ज को अपनी तरफ विड्रॉ करता है, है ना। वैसे देखो इसका तो मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, MnO4 - का मैग्नेटिक मोमेंट जीरो, पर इसमें एक अनपेयर्ड होता है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट नॉट इक्वल टू जीरो आएगा। इसका मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा, इसका भी मैग्नेटिक मोमेंट जीरो होगा,
इसका मैग्नेटिक मोमेंट आपको बता दिया था कितना होता है, 3.9 bm, लेकिन उसके बाद भी ये जो कलर्ड होता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, ये ध्यान रखना है ना, आ जाता है ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर, इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है लेकिन फिर भी कलर ड्यू टू चार्ज ट्रांसफर। तो एक बार आया भी है जेई मेंस में या मेडिकल में आया था कि इसमें लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर स्पेक्ट्रा की वजह से कौन कलर होगा, या एक बार आया था किस केस में लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा है। तो आपको ध्यान रखना है ना, एक ये हो गया चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा, पहला पार्ट लिगेंड टू मेटल, लिगेंड से मेटल पर चार्ज ट्रांसफर हो रहा है। क्लियर है, आगे बढ़े। इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। इसका मैंने आईपीसी नॉमनक्लेचर भी कराया था, इसकी हाइब्रिडाइजेशन बताई थी आपको sp3d2। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 होते हैं, आउटर कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, कलर ऑफ Cr2O7-2 Cr2O7-2 का कलर ऑरेंज होता है। अच्छा ये सॉरी ये गलत है, ये तो येलो क्रोमेट का और ये ऑरेंज होता है ना, सही कर लो, ये ऑरेंज होता है। ठीक है, अब देखो लिखो आगे, इसके बाद लिखो नेक्स्ट, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड्स, चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम मेटल टू लिगेंड्स है ना। इसमें एग्जांपल FeCO5, जो सिनर्जिक बॉन्डिंग थी ना सेंट्रल एटम से, इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में जा रहा होता, FeCO5 और FeC5H5 को ऑल ट्वाइस, या कि लिखते थे FeEtap5C5H5 का होल ट्वाइस, पता है फेरोसिन बताया था मैंने, सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर। तो इसमें क्या होता है बेटा, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर होता है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर, और ये भी लिख सकते हो उसको Cr5C6H6 का होल ट्वाइस, या Cr eta6C6H6 का होल ट्वाइस, इसका भी सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर होता है, हमने EN पढ़ा था इसका। तो इनमें क्या होता है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर है ना, सिनर्जिक बॉन्डिंग है, मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर। तो ध्यान रखना ना, एग्जांपल डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि किसमें मेटल टू लिगेंड ट्रांसफर होगा, किसमें लिगेंड टू मेटल ट्रांसफर होगा, मेटल टू लिगेंड किसके अंदर होगा। अब लिखो मेटल टू मेटल ट्रांसफर, मेटल टू मेटल ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, मेटल टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। इसमें एक एग्जांपल आता है प्रूशियन ब्लू, PRUSSIN, प्रूशियन ब्लू, ये इसको बोलते हैं फेरी फेरोसाइनाइड, फेरी फेरोसाइनाइड, फॉर्मूला होता है KFeFeCN का होल 6, लिख लो एग्जांपल KFeFeCN का होल 6। बाहर थर्ड होता है बेटा इसमें ऑक्सीडेशन नंबर, अंदर होता है सेकेंड फेरी फेरोसाइनाइड। इसमें मेटल टू मेटल ट्रांसफर नहीं लगता है, मेटल टू मेटल ट्रांसफर, हाँ बाहर +3 अंदर +2 होता है। क्लियर है, ऐसे एक होता है टर्नबुल्स ब्लू, TURN टर्नबुल्स ब्लू, ये होगा KFe, फॉर्मूला एक जैसे ही है 6, यहां पर सेकेंड अंदर थर्ड, उसको बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू। दोनों फॉर्मूले भी ध्यान रखना, ठीक है। मेटल टू मेटल ट्रांसफर होता है चार्ज, मेटल टू मेटल ट्रांसफर, अगर यहां बाहर थर्ड है अंदर सेकेंड है, इसको बोलते हैं प्रूशियन ब्लू फेरी फेरोसाइनाइड, यहां सेकेंड है यहां थर्ड है, इसको बोलते हैं टर्नबुल्स ब्लू। ठीक है, ये दोनों एग्जांपल ध्यान रखना बस। तो आपके 3 केस हो गए चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा के, लिगेंड टू मेटल, मेटल टू लिगेंड और मेटल टू मेटल। ठीक है, ये एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं। चलो ये हो गया आपका कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, हेडिंग डालो आइसोमेरिज्म,
करें आगे, नोट कर लिया, मिटा दूं। मिटा दो भाई। यस, चलो लिखो अब आगे। आइसोमेरिज्म, ये बहुत ध्यान से बहुत डिटेल में पढ़ना है, इससे क्वेश्चन 100% आता है हर साल। अभी तक ऐसा नहीं हुआ कि नहीं आया हो, मेडिकल में भी और नॉन मेडिकल में भी। तो इसको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ेगा आपको डिटेल में। और मेन स्टीरियो आइसोमेरिज्म देखो, जैसे हमने पढ़ी थी आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, इसमें भी दो ही तरह की होती है। आइसोमेरिज्म दो तरह की होती है, ठीक है, स्ट्रक्चरल, स्ट्रक्चरल, और दूसरा होती है स्टीरियो, है ना, स्टीरियो, स्टीरियो आइसोमेरिज्म, ठीक है। दो तरह की होती है, स्ट्रक्चरल और स्टीरियो। लिखो, देर आर टू टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो। स्ट्रक्चरल कितने तरह की होती है बताओ जरा, स्ट्रक्चरल के टाइप बताओ। सिक्स टाइप, वो ऑर्गेनिक में है, ठीक है, ऑर्गेनिक में स्ट्रक्चरल अलग अलग है, उधर ऑर्गेनिक में अलग थे और यहां पर अलग है। अच्छा लिखो, इसमें कौन कौन से होते हैं। पहला आयनाइजेशन, डेफिनेशन तो पता ही है तुम्हें, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफर इन स्ट्रक्चर, बट डिफर इन लिंकेज, इसमें लिंकेज डिफर होगी, डिफर इन स्ट्रक्चर। एक एक करके पूरा डिस्कस करेंगे अच्छे से विद एग्जांपल। आयनाइजेशन, सेकंड हाइड्रेट, थर्ड लिंकेज, फोर्थ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन। ये चार तरह के, वैसे तो पॉलीमराइजेशन भी होता है, लिगेंड आइसोमेरिज्म भी होता है, सिक्स टाइप के होते हैं, वो पढ़ने नहीं है, जो लिख देता हूं मैं। फाइव, एक इसी के अंदर पॉलीमराइजेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन बोलते हैं वैसे, कोऑर्डिनेशन पॉलीमराइजेशन। और एक होता है लिगेंड्स आइसोमेरिज्म, पर हमें पढ़ना ये है, हमारे सिलेबस में ये है चारों, यही पढ़ना है सिर्फ, है ना। इसी तरह से स्टीरियो दो होती हैं, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। मेन इंपॉर्टेंट तो यही है, ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल। चलो हेडिंग डालो, आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। लिखो लिखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड हैविंग आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, साथ साथ लिखते जाओ, आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट फर्नेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ आयन्स इन सॉल्यूशन, बट फर्नेस डिफरेंट टाइप ऑफ आयन इन सॉल्यूशन। लिखो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट फर्नेस डिफरेंट टाइप ऑफ आयन्स इन सॉल्यूशन। देखो जैसे एग्जांपल है बेटा, ये CO Br SO4 डॉट 5NH3, CO Br SO4 डॉट 5NH3, ये कॉम्प्लेक्स है ना। अब इसके दो कॉम्प्लेक्स बनाओ आप जरा, कौन कौन से बना सकते हो। देखो एक ये बनेगा CO NH3 का होल 5 Br SO4, एक ये बन जाएगा NH3 का होल 5, अंदर ले लो आप SO4 और बाहर ले लो Br, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है CO का, 6 होता है, ठीक है।
पहले न्यूट्रल से सेटिस्फाई करेंगे, बचेगा तो फिर निगेटिव आयंस ले लेंगे, है ना। लिखो, तो ये जो फॉर्मूला दे रखा है इसके दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे, इतनी बात क्लियर हुई, इसके दो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मिलेंगे। चलो देखो, अब इसको पानी में डालोगे तो बेटा सल्फेट आयन मिलेगा, इसको पानी में डालोगे तो ब्रोमीन मिलेगा, है ना। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, लेकिन दो कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, दोनों कॉम्प्लेक्स में अगर पानी में डिजोल्व करते हो तो नंबर ऑफ आयन, सॉरी टाइप्स ऑफ आयन डिफरेंट मिलेंगे, टाइप्स ऑफ आयन डिफरेंट मिलेंगे। देखो इसका कलर है रेड वॉयलेट, है ना। अब दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला देखो सेम है ना, पर लिंकेज डिफर होने से, भाई यहां पर लिंकेज क्या होगी, छह तो पांच तो होंगे सीओ एन बॉन्ड और एक होगा सीओ बी आर बॉन्ड, इधर पांच तो सीओ एन बॉन्ड होंगे, एक होगा सीओ एस बॉन्ड। बस लिंकेज चेंज होने से ही कलर भी चेंज हो गया, ये रेड वॉयलेट है और दूसरा वाला रेड है, ये रेड है, ये रेड है ना। कलर चेंज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डाइपोल मोमेंट, सारी प्रॉपर्टी इन दोनों की अलग अलग हो गई, कलर भी अलग है, बस लिंकेज चेंज होने से। समझ में आ रहा है ना भाई, यहाँ पर सीओ एन फाइव बॉन्ड होंगे और एक बॉन्ड होगा सीओ बी आर, वहां पर फाइव सीओ एन तो है पर एक, बस सीओ एस चेंज होने से ही सारी की सारी प्रॉपर्टी अलग हो गई, लिंकेज अलग हो गई है, स्ट्रक्चर अलग हो गया है इनका, और इससे सारी की सारी प्रॉपर्टी भी इसकी डिफरेंट हो गई है। आइसोमर यही तो होता है, डिफरेंट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी अलग हो जाती है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है ना। अगर आप देखो इसमें अगर मैं BaCl2 पास कराता हूँ, समझना न्यूमेरिकल भी आते हैं इससे, BaCl2 पास कराता हूँ, ये AgNO3 पास कराता हूँ एक्सेस अमाउंट में, है ना, तो किससे रिएक्शन होगी और क्या बनेगा। देखो AgNO3 से कुछ नहीं बनना, नो पीपीटी कुछ नहीं होगा, और AgNO3 पास कराओगे इससे मालूम चल रहा है कि बाहर Br नहीं है, और बाहर Br होता, आई होता, Cl होता, तो AgBr, AgCl, AgI प्रेसिपिटेट हो जाता, और फर्स्ट में क्या मिलेगा बेटा, BSO4 व्हाइट पीपीटी मिल जाता है। बिल्कुल सही है, व्हाइट पीपीटी मिल जाता है, न्यूमेरिकल बहुत सारे दे रखे हैं बुकलेट में इस तरह के, व्हाइट पीपीटी आपको मिल जाएगा, है ना, BSO4 का, हाँ प्रेसिपिटेट मिल जाएगा। क्लियर है, देखो इधर इसमें से पास कराओगे आप BaCl2 और AgNO3, तो यहां तो आपको AgBr का येलो पीपीटी मिलेगा, येलो पीपीटी मिलेगा, पर यहां कुछ नहीं मिलेगा, यहां पर कुछ नहीं मिलेगा, है ना, BSO4 तो मिलता है इधर, उधर कुछ नहीं मिलेगा। तो ये है आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म। और न्यूमेरिकल और क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, सटर्न बुल्स ब्लू एंड क्वेश्चन ब्लू होंगे सर, एग्जाम्पल इसके बता दिए मैंने तुमको एग्जाम्पल, ठीक है, नोट कर लिया है। चलो इसमें और आगे डेफिनेशन लिखो, है ना, और कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं, डेफिनेशन लिखो आगे, लिखो इट इज एग्जिबिटेड बाई दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स, लिखो इट इज एग्जिबिटेड बाई दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स, एग्जिबिटेड बाई दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स इन विच अ सिंपल एनायन, एग्जिबिटेड बाई लिख लो दोज आयनिक कॉम्प्लेक्स इन विच सिंपल एनायन, सिंपल एनायन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन इनफेयर, इन विच सिंपल एनायन आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फेयर, आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फेयर एक्सचेंज्ड बाय, देखो ये जरूरी है कि कोऑर्डिनेशन स्फेयर के बाहर सिंपल एनायन होना चाहिए। जब भी आपको पूछता है कि ये कंपाउंड शो करेगा आयनेशन आइसोमेरिज्म या नहीं, तो जरूरी है कि बाहर क्या होना चाहिए, सिंपल एनायन, और वो सिंपल एनायन एक्सचेंज होना चाहिए निगेटिव लिगेंड से, आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर एक्सचेंज बाई निगेटिव लिगेंड्स, है ना, सो दैट, ये चीज ध्यान, सो दैट
कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर रिमेन अनचेंज्ड, पूरा लिखो. सो द सच दैट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल एटम रिमेन अनचेंज्ड. ध्यान रखना, कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम रिमेन अनचेंज्ड. क्लियर है बात? अगर किसी भी कॉम्प्लेक्स को देख के बताना है आपको, ऑप्शन में कॉम्प्लेक्स कंपाउंड गिवन है, अगर पूछ लिया कि बताओ भैया इसमें कौन सा आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो करेगा कौन सा नहीं करेगा, तो आप क्या देखोगे कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कोई सिंपल एनायन होना चाहिए, है ना, BrCl, SO4, और वो किससे एक्सचेंज कर जाए, निगेटिव लिगेंड से एक्सचेंज कर जाए, है ना. जैसे यहाँ देखो सल्फेट है, यहाँ Br है, तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में आयनाइजेशन आइसोमर हो गए, सल्फेट अंदर चला गया, Br बाहर चला गया. कोऑर्डिनेशन नंबर पहले भी 6 था, अब भी 6 है. देखो यहाँ पर ये बताओगे आप, SO4 तो दोनों की तरह बिहेव कर जाता है, मोनो डाई, पर यहाँ किसकी तरह बिहेव कर रहा होगा, मोनो की तरह बिहेव कर रहा होगा. तो आप कॉम्प्लेक्स को देखकर कैसे बताओगे, समझ में आ गया? ठीक है ना. सिंपल एनायन मतलब कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं होना चाहिए, सिंपल एनायन सल्फेट ब्रोमेट का ये मतलब कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए एनायन, ठीक है ना. चलो लिख लिए, अब जरा कुछ एग्जांपल बता दो मुझे. लिखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डोंट एग्जिबिट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डोंट एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म. लिख लो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स डोंट एग्जिबिट आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म, आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म. ठीक है, इसमें से कौन आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा, पहला लिखो, फर्स्ट CO Br NH3 का होल 5 बाहर Br, ठीक है. दूसरा सर बाइडेंटेड एनायन हो सकता, हाँ हो सकता है बाइडेंटेड एनायन, बस कॉम्प्लेक्स एनायन नहीं हो सकता, है ना, बाइडेंटेड मोनोडेंटेड हो सकता है बट कैन नॉट बी कॉम्प्लेक्स एनायन, ये आपको ध्यान रखना है. ठीक है, Cr, बड़े अब ध्यान से क्वेश्चन करना है, NH3 का होल 6 और Cl3, थर्ड क्या लिख रहे हो, NH3, हाँ NH3 का होल 6, हाँ सॉरी NH3, ठीक है भाई, NH3 का होल 5 लिखो आराम से, ध्यान से इसको बताना है, जल्दी नहीं करनी कोई, अच्छे से समझो सारा. IR SO4 का होल ट्वाइस Br2 और प्लस, Na2 FeCN का होल 5 NO 5 CO NH3 का होल 6 FeCN का होल 6 6. एग्जाम्पल नोट करते जाओ. ठीक है, ध्यान से फर्स्ट 2 3 4 लिखो पहले सारे, फिर ध्यान से देखो कौन कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा. IR CO 3 EN और Br 7 और क्या हो सकता है, P
पी टी ओ एक्स NH3 का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस और Br2 है ना। इस आयनेशन आइसोमेरिज्म बना के भी देखना है इसको लिख के ना, पूरी एनालिसिस करके बताओ, बहुत जल्दी नहीं करनी। सेवन एट CO Br NH3 का होल 5। सर सेवन में पीटी के बाद क्या लिखा है? सेवन में पीटी के बाद लिखा है बेटा ओएक्स, ऑक्सिलेटो है ना, ये ओएक्स ऑक्सिलेटो, NH3 का होल ट्वाइस, H2 का होल ट्वाइस, ऑक्सिलेटो है सेवन के बाद। सर थ्री बाहर आएगा CO या नहीं? थर्ड में कुछ नहीं है बाहर, बस प्लस है ये, ठीक है। देखो सर सिक्स में कार्बोनिल है क्या? सिक्स में कार्बोनिल नहीं बेटा, CO3 है, कार्बोनेट है सिक्स में, है ना, कार्बोनेट है। राइटिंग तुम्हें थोड़ा कम समझ में आने लगा सिक्स में, हाँ SO4 लगा लो यहाँ पर, SO4। और क्या हो सकता है? देखो सारे एग्जांपल थोड़ी जल्दी जल्दी आया समझ में, हो गया। एंड एट, अब इसमें कौन कौन सो नहीं करेगा ये बताना है तुम्हें, है ना, कौन कौन सो नहीं करेगा। 3, 4, 5 डू नॉट, खुशी। देखो पहला, पहला सो करेगा, ये सिंपल है ना, बी आर बाहर तो है लेकिन यहां भी तो बी आर ही है, तो बी आर से बी आर चेंज करोगे तो कुछ भी चेंज नहीं होना है ना, तो पहला नहीं करेगा। ये सी आर एन एच थ्री का ऑल 6 सी एल 3, अब बाहर तो Cl है पर अंदर तो कोई निगेटिव लिगेंड है ही नहीं, तो ये वाला भी सो नहीं करेगा। IR SO4 Br, बाहर कोई एनायन है नहीं है तो ये भी सो नहीं करेगा। फोर देखो, एनायन है नहीं बाहर, ये भी सो नहीं करेगा। इधर एनायन तो है पर कॉम्प्लेक्स एनायन है, ये भी सो नहीं करेगा। इसमें Br है, अब सुनो, इधर CO3 है, अब बताओ सिक्स वाला बताओ ये सो करेगा नहीं करेगा? कुछ कह रहे हैं यस, कुछ कह रहे हैं नो। अगर सो नहीं करेगा तो क्यों नहीं करेगा, और करेगा तो क्यों करेगा? बिल्कुल सही है, ठीक बात है, आगे तुम सही लाइन पर। क्योंकि बेटा देखो इरिडियम का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है ना वो 4 होता है, तो यहां पर ये बाई है, ये बाई है और ये भी बाई है ना, तो कोऑर्डिनेशन नंबर IR का कितना हो गया? 4 आ गया, क्लियर है ना। इधर BR तो ये मोनो है, ये तो मोनो है और अंदर जाकर भी मोनो रहेगा। अगर इसको अंदर ले आए हम और CO3 को बाहर ले गए तो कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन नंबर चेंज नहीं कर सकते, ये मैंने कंडीशन आपको लिखाई है, ठीक है। फिफ्थ में बेटा आपको कंडीशन में मैंने लिखाया था कि बाहर सिंपल एनायन होना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं होना चाहिए, सिंपल एनायन ही एक्सचेंज करेगा निगेटिव लिगेंड से, तब बनेगा आयनाइजेशन आइसोमर, ठीक है। सेकंड बेटा बाहर सिंपल एनायन तो है पर अंदर निगेटिव लिगेंड तो नहीं है, सिंपल एनायन निगेटिव लिगेंड से एक्सचेंज करेगा तब आयनाइजेशन आइसोमर बताएगा, क्लियर है। 7, 8 हाँ देखो ये करेगा, ये ऑक्सिलेट बाई है वैसे बाई, पर दोनों बी आर अंदर आ जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर देंगे, इसके कोऑर्डिनेशन नंबर को सेटिस्फाई कर देंगे, क्लियर है ना। ये इधर CO Br NH3 का ऑल 5 सल्फेट है और अंदर Br है, तो सल्फेट बाहर अंदर आ जाएगा, मोनो की तरह बिहेव करेगा, बाहर निकल जाएगा, ये करेगा ना, क्लियर हुआ। चलो अब एंड डालो लिंकेज आइसोमेरिज्म, ये हो गया आयनाइजेशन, अब लिखो लिंकेज थोड़ा जल्दी। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए जरूरी है कम से कम एक एम्बीडेंटेड लीगेंड का होना, लिखो हेडिंग डाल लो। लिंकेज आइसोमेरिज्म के लिए ये जरूरी है कि कम से कम एक एम्बीडेंटेड लीगेंड होना चाहिए, लिखो लिंकेज आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाय दोज कॉम्प्लेक्स इन विच एटलीस्ट वन एम्बीडेंटेड लीगेंड मस्ट बी प्रेजेंट,
इन विच, लिख लेना, वन एम्बिडेंटेड लिगेंड मस्ट बी प्रेजेंट, कम से कम एक एम्बिडेंटेड लिगेंड का प्रेजेंट होना जरूरी है, और वो एम्बिडेंटेड लिगेंड मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करना चाहिए। ठीक है, लिख लोगे, लिंकेज एग्जिबिटेड बाय द कॉम्प्लेक्स विच कंटेन एट लीस्ट, कंटेन एट लीस्ट वन एम्बिडेंटेड, एम्बिडेंटेड लिगेंड, जैसे एग्जांपल एम्बिडेंटेड लिगेंड में NO2 हो गया, NO2 माइनस हो गया, HCN हो गया, NCS हो गया, और बहुत सारे। ठीक है, कंटेन एटलीस्ट वन एम्बिडेंटेड लिगेंड, और ये ध्यान रखना एम्बिडेंटेड लिगेंड, एम्बिडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, मोनोडेंटेड ही होते हैं ये। ठीक है, पर इसमें दो डोनर साइट होती हैं, दो डोनर साइट होती हैं। ठीक है, हाँ सी एन माइनस एन भी है, बिल्कुल सही है, पता है तुम्हें, लेकिन ये ध्यान रखना दे मस्ट एक्ट एज, एक्ट एज मोनोडेंटेड लिगेंड, मोनोडेंटेड लिगेंड, अगर बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेंगे, इफ बाइडेंटेड, ध्यान रखना इस कंडीशन को, इफ बाइडेंटेड, इफ बाइडेंटेड, बाइडेंटेड होंगे तो जरूरी है कि डोनर एटम डिफरेंट हो, डोनर एटम क्या हो, डिफरेंट हो, बात समझ में आई, अगर बाइडेंटेड है तो डोनर एटम डिफरेंट होने चाहिए, अगर भाई डोनर एटम सेम हो गए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। ठीक है, नहीं वैसे एम्बिडेंटेड बाइडेंटेड भी हो सकते हैं, है ना, लेकिन वो तब है जब दोनों डोनर एटम अलग अलग हो और फोर या फाइव मेंबर रिंग बना रहा हो, तो लिख लो ये कंडीशन भी। देखो जैसे ये है NO2 माइनस है, अगर NO2 माइनस बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा, ये है और ये डबल बॉन्ड हो गया। ठीक है, तो वैसे तो इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऐसे बना के लिखते हैं, ये ऐसे ऐसे, ये माइनस हाफ माइनस हाफ, अगर ये बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, तो दो ऑक्सीजन डोनेट करेंगे, इसमें डोनर एटम सेम हो गए, है ना, अब लिंकेज चेंज हो ही नहीं सकती। NO2 माइनस आयन अगर मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करता है, एक बार एन दे एक बार ओ दे, तो लिंकेज चेंज हो सकती है, लेकिन अगर NO2 माइनस आयन बाइडेंटेड की तरह बिहेव करता है तब लिंकेज चेंज होगी नहीं, भाई दोनों ऑक्सीजन से दे रहा है, लिंकेज चेंज कैसे हो सकती है, नाइट्रो ये एन और ओ को लगा नहीं सकते क्योंकि थ्री मेंबर ड्रिंक बन जाएगी। इतनी बात समझ में आ रही, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, क्यों भाई हजम हुआ है या नहीं। अगर NO2 माइनस आयन बाइडेंटेड की तरह बिहेव करेगा तब ये लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं कर सकता, क्लियर है ना, लिंकेज आइसोमेरिज्म कब शो करेगा, जब ये मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करेगा। ठीक बात है, जब ये मोनोडेंटेड की तरह बिहेव करेगा, देखो लिंकेज चेंज होने से ही कलर वलर सब चेंज हो जाते हैं, प्रॉपर्टी भी चेंज हो जाती है। एग्जाम्पल लिखो, जैसे एग्जाम्पल है, नोट कर लो, हाँ लिखो, सी ओ ओ एन ओ एन एच थ्री का होल फाइव, सी ओ ओ एन ओ NH3 का होल फाइव प्लस टू, इसको हमने हीट दी और ये चेंज हो गया CO NO2 NH3 का होल फाइव प्लस टू। देखो ये लिंकेज चेंज होने से कलर वलर सब चेंज हो जाता है, यहाँ पर क्या है ऑक्सीजन है और उधर क्या है नाइट्रोजन है। ठीक है, नोट कर लो, पहले वाले का कलर येलो है, दूसरे वाले का रेड है, पहले वाले का कलर येलो है और दूसरे का रेड कलर चेंज हो गया, स्टेबिलिटी भी अलग अलग है, दोनों में स्टेबिलिटी भी अलग अलग है, ये कम स्टेबल होता है लेस स्टेबल और ये मोर स्टेबल होता है, स्टेबिलिटी का भी एक टॉपिक है, अलग से बताऊंगा उसको आपको, ये मोर स्टेबल होगा। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया बेटा, लिंकेज आइसोमेरिज्म, देखो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है पर इधर ऑक्सीजन से लिंकेज है, इधर नाइट्रोजन से लिंकेज है। ठीक है, बहुत ईजी है, देख के आराम से बता सकते हो कि कौन सा कॉम्प्लेक्स लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करेगा, कौन सा लिंकेज आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। ठीक है, बता सकते हैं ना, तो एक क्वेश्चन करके दिखाओ, आपको टोटल नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर बताने हैं। स्टेबिलिटी कैसे पता चली, देखो यहाँ पर डोनर ऑक्सीजन है, यहाँ डोनर नाइट्रोजन है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन है और नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन बेटर डोनर होता है ऑक्सीजन से। चलो
आपको बताओ, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लिंकेज आइसोमरिज्म, फाइंड आउट टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल लिंकेज आइसोमर, ठीक है, टोटल लिंकेज आइसोमर बताने हैं, एग्जांपल लिख लो। टोटल लिंकेज आइसोमर कितने हो सकते हैं, ठीक है, लिखो CO NO2 HCN H2O NH3 का होल थ्राइस, CO NO2 HCN H2O, एक दो तीन, अब ले लो NH3 का होल थ्राइस, और इधर हो गया माइनस वन, इसको ले लो प्लस वन, ठीक है। चलो बताओ टोटल नंबर ऑफ लिंकेज आइसोमर कितने होंगे, बिना पेन चलाए बताओ, देखो दिमाग में कैलकुलेट करो कितने होंगे, दिमाग में कैलकुलेट करके बताओ। सबका आ गया, बहुत बढ़िया, गुड, है ना, इजी है, चार आ गए, है ना, चार आ गए, ठीक है ठीक है ठीक है, चार आ गए, कर लो, कर लोगे ना। देखो एक ये CO, अब यहां पर कर लो ONO, ये HCN ही रहने दो, H2O और NH3 का होल थ्राइस, ऊपर वाले को काउंट करोगे प्लस, अब CO NO2 के साथ आप NCS ले लो, है ना, H2O NH3 का होल थ्राइस प्लस, अब आप CO ONO के साथ NCS ले लो, H2O NH3 का होल थ्राइस, ठीक है, टोटल चार है ना इंक्लूड करके, कितने होंगे टोटल चार इसको इंक्लूड करके, है ना, है इजी है, बहुत इजी है। अब एड डालो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, नेक्स्ट लिखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, ठीक है, हाइड्रेट लिखो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म में क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होता है, बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है, रीड डेफिनेशन, जैसे एग्जांपल COCl3.6H2O है, करो जरा मेरे साथ, COCl3.6H2O है, ठीक है, अब इसमें बनाओ जरा सारे कॉम्प्लेक्स बना के देखो, CO H2O का होल सिक्स ले लो और यहाँ ले लो Cl3, तो यहाँ तो भैया एक भी वाटर क्रिस्टलाइजेशन नहीं है, यहाँ CO H2O का होल फाइव, Cl एक अंदर ले लो, एक H2O को बाहर ले जाओ, ठीक है, फिर ये बनाओ CO H2O का, सॉरी CO H2O का होल फोर, साथ साथ बनाते जाओ, ऐसा ना इजी है, काफी इजी है, अब दो Cl अंदर ले लो, एक Cl बाहर लेगा, 2H2 ले जाओ, ठीक है। सर डेफिनेशन बोल दो एक बार दोबारा, चिराग बेटा क्या होता है, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म की डेफिनेशन फिर से देख लो, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, देखो ये तो मैंने वाटर के बारे में बोल दिया है ना, तो इसको हमने हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल दिया, हम सॉल्वेट जनरल इसको सॉल्वेट आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं, जब सॉल्वेट होगा तो सॉल्वेंट कुछ और भी हो सकता है, सॉल्वेंट अमोनिया भी हो सकता है, सॉल्वेंट अल्कोहल भी हो सकता है, सॉल्वेंट वाटर है तो हमने इसको हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल दिया, और नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल से इसको डिफरेंशिएट किया, है ना। अब देखो ये सारे हाइड्रेट आइसोमर है, यहाँ पर एक भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन नहीं है बाहर, यहाँ पर एक है, यहाँ पर दो है, और एक ये बनाओगे आप CO H2O का होल थ्राइस Cl3 और डॉट 3H2O, कितने बन गए टोटल, देखो इस कंपाउंड के पूछ लीजिए भाई टोटल हाइड्रेट आइसोमर बनाओ तो कितने बन गए, चार, है ना, लेकिन भाई एग्जिस्ट करेंगे तीन, और कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा ये बता दो जरा, मैं इसको लिख लेता हूं, पहला
दूसरा, तीसरा, चौथा, टोटल बन गए चार। अब इसमें कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, जो स्टेबल नहीं होगा, कौन सा कॉम्प्लेक्स स्टेबल नहीं होगा? फोर्थ। बिल्कुल सही बात है, फोर्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका भी रीजन बता दो जरा। फोर्थ एग्जिस्ट नहीं करेगा, बिल्कुल सही है, फोर डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। देखो रीजन क्या है, बट देखो सीएल क्या है और ये वाटर क्या पोलर है, और सीएल माइनस ये माइनस है, आयन है ये, है ना, पोलर आयन, तो क्या बोलेंगे, आयन डाइपोल फोर्स लग रहा है इसमें। यहां भी आयन डाइपोल फोर्स हो गया, है ना, ये तो स्टेबल रहेगा, ये +3 है, ये -3 है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। तो यहाँ वाटर अटैच है आयन डाइपोल से, यहाँ वाटर अटैच है आयन डाइपोल से। अब यहां देखो ये तो चार्ज यहाँ जीरो है ना भाई, Cl3 अंदर हो गया, +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे चार्ज कोई है नहीं, तो वाटर पोलर तो है पर इसको अटैच करने के लिए आयन डाइपोल इंटरेक्शन है ही नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। इतनी बात समझ में आई है, हजम हुई है क्या कह रहा हूं मैं? फोर्थ वाले में आयन डाइपोल इंटरेक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि कोऑर्डिनेशन स्फीयर पे जीरो चार्ज है। यहाँ तो Cl था, माइनस था, नेगेटिव था, इसको होल्ड करने के लिए, यहाँ नेगेटिव था इसको होल्ड करने के लिए, क्लियर है? चलो ये था हाइड्रेट आइसोमेरिज्म। एक थोड़ी सी डेफिनेशन और लिख लो इसकी, अगर मान लिया और क्वेश्चन आ गए तो हम किसी कंपाउंड को देख के कैसे बताएंगे कि हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो करेगा नहीं करेगा। तो एक डेफिनेशन लिखो, लिखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म। थोड़ा स्पीड से लिख लो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म इज अ स्पेशल केस ऑफ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, स्पेशल केस ऑफ सॉल्वेट आइसोमेरिज्म, ठीक है। अब इसमें आगे लिखना है, वेयर एच टू इज यूज एज अ सॉल्वेंट, वेयर वेयर एच टू ओ इज यूज एज अ सॉल्वेंट टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स। सुन लो, राइटिंग समझ नहीं आएगा, टू प्रिपेयर कॉम्प्लेक्स। अगर हमने वाटर सॉल्वेंट की तरह ले लिया तो उस सॉल्वेंट आइसोमेरिज्म को हाइड्रेट आइसोमेरिज्म बोल दिया, ठीक है। अब आगे लिखो, हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाई दोज कॉम्प्लेक्स इन विच, लिखो हाइड्रेट आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाई, एग्जिबिटेड बाई दोज कॉम्प्लेक्स। ये देखो जब क्वेश्चन आएगा किस, हाँ कोई कॉम्प्लेक्स मिल जाएंगे चार पांच ऑप्शन में, पूछ लिया कि इसमें कौन सा कॉम्प्लेक्स हाइड्रेट आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, तो उसी कंडीशन लिखा रहा हूं, ध्यान रखना। तो कौन सा करेगा, जिनमें एग्जिबिटेड बाई दोज कॉम्प्लेक्स इन विच सिंपल एनायन प्रेजेंट आउटसाइड कोऑर्डिनेशन इन वेयर कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन विच सिंपल एनायन, समझ गए ना, सिंपल एनायन, इन विच सिंपल एनायन प्रेजेंट आउटसाइड, प्रेजेंट आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इन विच सिंपल एनायन प्रेजेंट आउटसाइड कोऑर्डिनेशन स्फीयर, क्लियर है? पहली कंडीशन हो गई, कैन बी एक्सचेंज विद एच टू ओ सच दैट, कैन बी, आगे लिखो, कैन बी एक्सचेंज विद एच टू ओ सच दैट कोऑर्डिनेशन नंबर एंड ऑक्सीडेशन स्टेट रिमेन अनचेंज्ड। बोलो, लिख लिया? जल्दी से, एक और बचा है बस, लास्ट हो गया। किसी भी कंपाउंड को देखकर बता सकते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को, कि ये हाइड्रेट शो करेगा नहीं करेगा, डन। अब लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म
एग्जिबिटेड बाई कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, डालो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाई कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, लिखो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म एग्जिबिटेड बाई कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स लिखो, इट इन्वॉल्व्स एग्जिबिटेड बाई कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स, लिख लो कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। जैसे एग्जाम्पल ले लो आप सीओ, सीओ नहीं कॉपर ले लेते हैं, CuNH3 का होल फोर और PtCl4 ये ले लिया हमने, है ना। देखो कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इट इज एग्जिबिटेड बाई द कैटायनिक एनायनिक कॉम्प्लेक्स। इट arises due to exchange of ligands, है ना, लिखो, या इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ ligands बिटवीन सेंट्रल मेटल एटम, एक्सचेंज ऑफ ligand बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट। इसमें क्या, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ ligand, एक्सचेंज ऑफ ligands बिटवीन कैटायनिक एंड एनायनिक पार्ट। चलो जल्दी बताओ इसके कितने होंगे टोटल, इसके टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर बताओ, अभी जल्दी छोड़ के मत भागो। CuNH3 का होल थ्राइस Cl ले लो यहां पर, और ये कर दो PtCl3 और NH3, ठीक है। इसके बाद CuNH3 का होल ट्वाइस Cl2, Cu कॉपर कॉपर। अब तुम्हें ध्यान से देखना है, बताना है कि कौन सा स्टेबल होगा कौन सा स्टेबल नहीं होगा। NH3Cl2, NH3 होल ट्वाइस और Cl2। इसके बाद PT, इसको पहले ले लो, PtNH3 का होल फोर और कॉपर Cl4, है ना, PtNH3 का होल थ्राइस Cl और कॉपर Cl3NH3। PtNH3 का होल ट्वाइस Cl2 कॉपर NH3 का होल ट्वाइस Cl2। इसमें बताओ कौन कौन सा स्टेबल होगा कौन सा स्टेबल नहीं होगा, सोच समझ के जवाब दो, है ना, आराम से करो मजे ले लेंगे। ध्यान से बताओ इसमें मैंने कितने लिख दिए, 1 2 3 4 5 6, पर इसमें 6 के 6 एग्जिस्ट नहीं करते, टोटल कितने होंगे और कौन कौन से एग्जिस्ट नहीं करेंगे, है ना। दिखाई तो दे रहा है तुम्हें राइटिंग, समझ में तो आ रहा होगा थोड़ा बहुत। 3 और 6 डज नॉट एग्जिस्ट आदित्य राज, 3 और 6, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल सही बोला भाई आदित्य राज। देखा आदित्य राज ने बताया है, 3 और 6 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा कोई बताया, बताओगे। अच्छा स्वयं कह रहा है, कोई एक्सेप्शन नहीं बताया, एक्सेप्शन नहीं बताया, एक्सप्लेनेशन नहीं, ठीक है, एक्सेप्शन है ही नहीं कोई इसमें। अनस्टेबल ऑक्सीडेशन नंबर, हार्दिक आ गया सही लाइन पर, बिल्कुल सही है, क्योंकि भाई अगर थर्ड में ये देखोगे, सेकंड में कहा है, थर्ड में 0 आया, देखो यहाँ देखो ये +2 और -2 में तोड़ोगे तो +2 -2 है ना, कैटायन एनायन अट्रैक्ट होगा। अब यहां पर क्या आएगा, ये +1 आएगा और ये -1 होगा, ताकि कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर +2 रहेगा, यहाँ +2 रहेगा, समझो ध्यान से, है ना। सर चार जोन कॉम्प्लेक्स, बिल्कुल सही है, देखो यहाँ +2 और -2 आ रहा है बेटा, क्योंकि कॉपर का +2 रखना, प्लेटिनम का अपने आप +2 आ जाएगा, यहाँ पर +1 और -1 लेना पड़ेगा, ताकि कॉपर पर क्या है +2 आए और प्लेटिनम पर क्या है +2 आए, ठीक है ना। अब इधर देखो, इधर +2 Cl की वजह से हो जाएगा, यहाँ चार्ज क्या होगा 0, यहाँ भी क्या होगा 0, तो भैया 0 0 चार्ज होंगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा,
कैटायन एनायन होना चाहिए ना, तभी तो अट्रैक्ट होगा। ऐसे ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, जीरो जीरो चार्ज हो गया, ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो आंसर क्या होगा इसका? चार, 1 2 3 4। तो इसके कोऑर्डिनेशन आइसोमर कितने बनेंगे? चार बनेंगे। इतना आया समझ में? नहीं आया? बोलो, क्लियर हुआ सबको? इस तरह से ही कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ले लूंगा तो कितने बनेंगे आपको बनाना है, ठीक है? मैं एग्जांपल बता देता हूं, CO H2O का ऑल 6 ये बना के लाना है। इसमें टोटल कोऑर्डिनेशन आइसोमर CO H2O का होल 6, CrNO2 का होल 6, इसके टोटल कितने बनेंगे ये आपको बना के लेके आने हैं, ठीक है? कल स्टीरियो आइसोमेरिज्म स्टार्ट करेंगे, 2 दिन इसके अंदर लग जाएंगे स्टीरियो में पढ़ने के लिए। स्टीरियो इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा। समझ में आ गया ना? क्लियर ये आज वाला टॉपिक?